धर्मशाला में चीन के खिलाफ चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमले में शहीद हुए सैनिकों की शहादत पर देश भर के लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय धर्मशाला में भी शहरवासियों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। इस दौरान शहरवासियों व समाज सेवियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम जनता से चीनी सामान के बायकॉट का आह्वान किया। शहरवासियों का कहना है कि जहां पर चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया वहां हथियारों का प्रयोग निषेध है। ऐसे में चीनी सैनिकों ने षड्यंत्र के तहत डंडों पर कंटीले तारे बांधकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया। लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि चीन द्वारा की गई इस हरकत का माकूल जवाब दिया जाए तथा शहीदों की शहादत का बदला लिया जाए। समाज सेवी सचिन शर्मा ने कहा कि चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहीं चीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया है। चीन को सबक सिखाने के लिए हमें चीनी सामान का बहिष्कार करना होगा। जो भी चीन से यहाँ आता है उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि चीन ने जो हरकत की है उसे माफ नहीं किया जा सकता। आज हमने जो हमारे सैनिक गलवान घाटी में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, और आज पुष्पांजलि के माध्यम से और 2 मिनट का मौन रखकर हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। और साथ में हमने समाज के जो वर्ग यहाँ पे उपस्थित हुआ था उनसे एक अपील भी की है कि जहाँ एक और सैनिक सीमा पर रहकर अपना फर्ज निभा रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए माँ भारती की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ एक और हमारे सैनिक चाइना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं तो हम इस चाइनीज जो सामान है उसकी आहुति दें और देश को अपने आत्मनिर्भर बनाएं। और जो हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी है और चाइना से जो हमारे यहाँ सामान आता है उसके बदले में जो पैसा जाता है उसी पैसे के बदले में वो हमारे सीमा पर हमारे विरुद्ध उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए हम समाज के सारे वर्ग से एक आग्रह करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार करें और राष्ट्रहित में इस कार्य करने के लिए हम सब एकजुट हो जाएं।